Hello students, in previous video you have learnt about the various crops which are grown in different seasons like rabi crops and kharif crops. Now today we are discuss about the crop production. Kis tarike se in crops ka production kiya jata hai? So students, cultivation of crops involve several practices or activities undertaken by farmers over a time period. These activities referred as agricultural practices. जो ये वेरियस एक्टिविटीज हैं जो इस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में इन्वॉल्व होती हैं, जस्ट पहले हम उनको देख लें वो कौन सी एक्टिविटीज हैं. लाइक फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ वन इज इरिगेशन, फिफ्थ इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स वन इज हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ वन इज स्टोरेज. क्योंकि सारी क्रॉप्स बनाने के बाद कल्टीवेट करने के बाद स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब स्टूडेंट्स, सॉइल को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एंड व्हाट डज इट मींस? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग. तो जो प्रिपरेशन होती है सॉइल की, वो सॉइल को लूज करने या टर्न करने के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द टूल्स और इम्प्लीमेंट्स विच आर यूज फॉर लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल. तो वो जो टूल्स हैं, दीज आर प्लाउ, हो और कल्टीवेटर. Now see the picture of these tools. This is the very old technique of farming. Here what they used by the farmers, farmer use these bullock carts and with the help of bulls, and with the help of bulls the process of turning can be done in previous time. Next one is hoe. This is also one equipment which are used for loosening or turning the soil. The third one is, it's a modern tools. It is used nowadays. It's known as cultivator and it is used by farmer to loosening or turning the soil. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये किसकी हेल्प से यहाँ पे होती है? आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा कि फार्मर्स बुल्स को यूज कर रहे थे. Nowadays in place of bulls what they use tractor. So the first practice was process preparation of soil. तो अब इस activity के बाद next activity क्या आएगी? Just we see the next activity. This is the sowing. First was preparation of soil. Second was
sown. Now, what is the meaning of sown? Good quality seeds in this activity which are clean and healthy are used. अब स्टूडेंट्स सोइंग के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, तो हम क्योंकि ट्रेडिशनल क्रॉप्स को भी समझेंगे और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मॉडर्न टेक्निक को यूज किया गया. तो द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड. And the second one is modern. And in nowadays we use seed drill. Now see the picture of these tools. This is the traditional method of sowing. आप इसमें देख रहे हैं bulls का use किया गया है और bulls के साथ यहाँ पे आपको एक funnel दिख रही है. Children observe it carefully. और यहाँ पर एक पाइप लगी हुई है और इस ट्रेडिशनल टेक्निक से इन ओल्डन डेज सोइंग की प्रोसेस की जाती थी. द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न डेज. अब मॉडर्न डेज में देखिए यहाँ पर कल्टीवेटर के साथ ये चीजें ऐड कर दी गई हैं और इन कंटेनर्स में व्हाट इज देयर इनसाइड द कंटेनर, शीट्स डले हुए हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैक्टर इस कंटेनर से शीट्स जो है वो ड्रॉप होते जाएंगे और जो सीड सोइंग की प्रोसेस हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट वन एक्टिविटी, द नेक्स्ट वन एक्टिविटी इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. स्टूडेंट्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स थोड़ा सा इनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लें. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न इट्स अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड दिस वन इज अ केमिकल फर्टिलाइजर्स. इट इज मेड अप इन फैक्ट्रीज व्हाइल दिस वन इज मेड अप इन फील्ड्स. तो व्हाट डज इट मीन्स, क्यों हम इन फर्टिलाइजर्स को एड करते हैं. सब्सटेंसेस added as nutrients to soil for what? For healthy growth. स्टूडेंट्स जैसे आप बोर्नवीटा वगैरह लेते हैं ना, उसी तरीके से वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है. इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, इन दिस वे दे ग्रो हेल्दी. दीज आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर. Students, in this way, the farmer can add the manure or fertilizers for good health of these plants. In this way, the plants can grow healthy. Now, the next practice is irrigation. So, the students, in next video, we'll discuss about the activity of irrigation. Thank you, students.